हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कैसे फिर से हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान कंसेप्ट, एक बहुत आसान तरीका बताऊँ जिससे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप उसको संतुलित कर सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मैथड के द्वारा, जो कि बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, उनको कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो इसी को हम समझेंगे। ठीक है, इसी को समझना, क्लियर करना, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ, और सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है तो रूल है। आप रूल याद कर लेते हैं तो आप कोई भी दुनिया का रहेगा इक्वेशन उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो रूल को समझेगा आराम से। ठीक है, रूल क्या कहता है, देखिए मैं एग्जाम्पल में लिया हूँ, मैं तीनों को सॉल्व करूंगा जिससे आपका रूल आपको दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है दोस्तों ना, कि अभिक्रिया को आधा कर देना, मतलब जो भी आपको रिएक्शन देगा ना उसको दो पार्ट में कर देना। मतलब देखिए हमारा MnO4 है माइनस प्लस H2O2, अभिक्रिया क्या क्या बना है, MnO2 प्लस O2 OH माइनस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग आधा कर देंगे, यानी कि इस रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे। कैसे, पहला MnO4 माइनस और MnO2, ये दोनों ये इसी इसका करा देंगे। ठीक है, ये उत्पाद बना देंगे, इसको भी कारक, इसको उत्पाद, तो ये इसको मिला के एक अभिक्रिया बन जाएगा। और एक दोस्तों हमारा H2O2 और हमारा O2, H2O2 और हमारा O2 मिलकर क्या बने, एक रिएक्शन बन जाएगा। मसला रहा, तो इसे आपको क्या करना, अभिक्रिया को दो पार्ट में लिख देना है। ठीक है, तो ये मैं लिखा हूँ कि अभिक्रिया को आधा करें जिसमें H+ OH- और H2O का नहीं यूज करना है। देखिए जब हम लोग यहाँ पे दूसरा अभिक्रिया बनाएंगे ना H2O2 से O2, तो यहाँ पे O2 बनाएंगे ना कि OH- बनाएंगे, क्योंकि रूल में लिखा गया है कि आपको अभिक्रिया बनाते समय H+ OH- H2O का उपयोग नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अर्ध अभिक्रिया, यानी कि जो दो भाग में बांटे अभिक्रिया को, अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करें गुणांक का प्रयोग करके। अब जो अभिक्रिया जो बनाएंगे दोस्तों उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा परमाणु कितना है नहीं है, तो उसको गुना करेंगे 1, 2, 3, 4 नंबर से गुना करके उसको बैलेंस कर लेंगे। किसको, परमाणु को, कौन से परमाणु को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके जो रहेगा, जैसे Mn है, मैंगनीज है, उसको बैलेंस करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H2O यानी कि जल को जोड़ेंगे। इसे मान लीजिए दो ऑक्सीजन घट रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, दो H2O को जोड़ेंगे। वहीं पे लिखा गया कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O को जोड़े जिधर ऑक्सीजन की कमी हो उतना ही संख्या में। मान लीजिए 5 ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरा तरफ मैं क्या करूंगा ना, 5 H2O को जोड़ दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाटले में 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो मुझे 5 ऑक्सीजन की कमी है तो हमको 5 H2O लेना पड़ेगा, तभी तो 5O आएगा। इसलिए जितना रहेगा घटेगा उतना H2O को जोड़ेंगे, है ना, उतना ही संख्या में। अगला है चौथा नंबर, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग H+ का जोड़ेंगे जितना हाइड्रोजन की कमी, बस वही रूल है। यदि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ पे H+ को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन आयन को जोड़ेंगे, जितना घटेगा उतना जोड़ेंगे। 10 हाइड्रोजन की कमी है तो 10 H+ को जोड़ देंगे। पांचवा क्या है, आवेश का संतुलन, फिर आपको क्या करना, आवेश को जोड़ मतलब बैलेंस करना, आयन को बैलेंस करना। मान लीजिए अभी कारक इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेंगे, 5 इधर है तो 7 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो 5-5 बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा, है ना, तो 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 5-5 बैलेंस हो गया, तो लास्ट आपको बैलेंस कर देना। तो यही आपका 5 रूल को अप्लाई करके आप दुनिया के सारे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। तो चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, क्या सॉल्यूशन, पहला क्या बोलते, देखिए अब MnO4 है, MnO4 माइनस है, प्लस में आपका H2O2 है, अब क्रिया किया MnO2 बनाया, अब प्लस में O2 बनाया, OH बनाया, तो हम क्रिया को दो भाग में बांट देते हैं। कैसे बांटे, देखिए मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, MnO4 को इससे भी क्रिया कराता हूँ, MnO4 और MnO2 से, तो क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, MnO2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बैलेंस कर, पहला रूल हो गया खत्म, मैं इसमें H2O OH H को नहीं लिखा हूँ, तो ये पहला रूल हमारा सही हो गया। दूसरा रूल क्या कहता, अर्ध क्रिया को संतुलित करें, तो संतुलित करें तो मैग्नीज यहाँ पे एगो है, यहाँ मैग्नीज एगो है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता हमको, नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से बैलेंस है तो क्यों बैलेंस करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे 2 लगाता, तो बैलेंस पहले से। दूसरा रूल क्या करता, तीसरा क्या कहता कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O को जोड़े। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो क्या करेंगे भाई, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, तो मैं क्या करूंगा, इधर 2 इधर 4 है, इधर तो ज्यादा है ना, तो मैं यानी कि यहाँ पे हमको 2 ऑक्सीजन और चाहिए,
इधर ऑक्सीजन 4 गो है, इधर 2 गो है, यानी कि यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन और चाहिए। और 2 ऑक्सीजन चाहिए मतलब 2 H2O को जोड़ेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे स्टेप वाइज करता हूँ तो आपको दिक्कत ना होगा, तो यहाँ पे जोड़ दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए तो MnO4 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा MnO2। अब प्लस में मैं क्या करूँगा 2H2O करूँगा, क्यों, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही था, इसलिए मैं 2 जल को अणु जोड़ा, है ना। तब तो 2 ऑक्सीजन 2 2 4 हो जाएगा, ये हो गया तीसरा रूल भी खत्म हो गया। चौथा रूल क्या कहता, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस का प्रयोग करें, H प्लस को जोड़ें। देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है, इधर है ये नहीं है, क्या करेंगे, मैं इधर 4 एच प्लस को जोड़ दूंगा, बस समझिए, इधर हाइड्रोजन 4 गो है। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे MnO4 माइनस है, ये अभी क्रिया किया। देखिए इधर 4 है, ये 2 × 4 इधर हाइड्रोजन है, इधर है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू 4 नंबर रूल हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए एच प्लस का प्रयोग करेंगे। तो इधर 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूँगा 4 एच प्लस का प्रयोग करूंगा, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। अब क्या कहता है रूल नंबर 5, आवेश का संतुलन करें। आप जोड़िए कि आवेश कितना है, जोड़िए आप लोग कितना आवेश है, देखिए इधर कितना आवेश है, देखिए तो यहाँ पे 4 गुना प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका एक माइनस में इलेक्ट्रॉन है, सॉरी देखिए ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 1 है, है ना, 4 यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे आपका कितना माइनस में 1 है, है ना। देखिए O4 मतलब माइनस चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे सिर्फ माइनस 1 चार्ज है, तो माइनस 1 हो गया। इधर इधर देखिए, इधर तो आपका है ही नहीं, तो क्या करेंगे 4 में से जाएगा कितना आ जाएगा टोटल, इधर टोटल आपका 3 है, तो मैं इधर क्या करूँगा, इधर 3 यहाँ पे दोस्तों आपका 3 क्या, आपका प्लस 3 चार्ज है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब तो मैं यहाँ पे माइनस 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। अरे भाई देखिए देखिए यहाँ पे प्लस क्या, प्लस 3 है, प्लस 3 चार्ज है, तो मुझे इसको इधर 0 है, इधर आपका 0 है, इधर प्लस 3 है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस 3 लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस 3 से क्या करूँगा जोड़ूंगा, तो माइनस 3 को मैं जोड़ दूंगा, तो माइनस 3 को जो लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, ओके एक इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, है ना। तो प्लस 3 और माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, तो इधर भी आपका 0 इधर भी 0 बैलेंस हो गया, है ना। तो बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका प्लस में कितना 4 है, माइनस में 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 है कितना जाएगा टोटल, कितना जाएगा टोटल, टोटल देखिए तो कितना जाएगा 4 में से जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 चार्ज हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा निगेटिव चार्ज को, तो जोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो क्या जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस 4 एच प्लस, प्लस में MnO4 माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा MnO2 प्लस में 2H2O, ये आपका बन गया इक्वेशन। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करना, ये तुम्हारा पहला भी क्रिया हुआ ना, अरे हमको दूसरा भी क्रिया चाहिए, दूसरा भी क्रिया में क्या करेंगे H2O को लेंगे और O2 को लेंगे, OH को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूल में क्या कहता कि OH को नहीं लेना है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के लेना है, तो O2 को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः क्या करेंगे हम लोग H2O2 को ले लेंगे और किसको ले लेंगे हम लोग O2 को ले लेंगे। अब यहाँ क्या करना, बैलेंस करना, तो बैलेंस करिए, देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है, इधर कुछ है ये नहीं है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करता हूँ, देखिए तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे लिखा गया कि H2O को ये हो गया हमारा, फिर क्या आपका हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस का प्रयोग करें, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 गो है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 2H प्लस का प्रयोग कर दूंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2H प्लस है, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन प्लस है, इधर आपका बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे चार्ज को देखेंगे, चार्ज यानी कि इसमें आयन, कितना आयन है, तो इधर आपका 2 प्लस में, इधर आपका है ये नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे 2 प्लस में, देखिए यहाँ पे आपका 2 है प्लस में, तो इसको इधर चूंकि 0 है, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा माइनस 2 इलेक्ट्रॉन घटाऊंगा, तो घटाने के लिए क्या करूँगा इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव का प्रयोग करूँगा, ताकि 2 और माइनस 2 दोनों घट के 0 हो जाएगा, माइनस चार्ज है ना, ये मुझे बैलेंस हो गया। अब देखो अब क्या करना है ना, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया।
अब दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। अब जोड़ना दोस्तों इस तरह से जोड़ना है ना कि जो आयन बचे नहीं, आयन खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, मुझे दोनों को कैंसिल करना। क्या करूंगा मैं? यहाँ तीन से गुना कर दूंगा, मैं यहाँ दो से गुना कर दूंगा, क्योंकि तीन दूनी छह इलेक्ट्रॉन, इधर भी छह इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, छह छह। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग, जोड़ने आता है ना, जोड़ने तो आपको आता ही होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो कैंसिल देखिए क्या क्या होगा आपका। मैं दोस्तों इसको ना थोड़ा सा आपको ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पे चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, गुना करिए दो से, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस में दो से गुना करिए तो आठ एच प्लस प्लस, दो से गुना करेंगे तो टू एम एन ओ फोर माइनस, अभिक्रिया करेगा दो एम एन ओ टू हो जाएगा प्लस, दो दूनी चार आपका एच टू ओ हो जाएगा, तीन से गुना करिए तो क्या जाएगा यहाँ पे आपका तीन एच टू ओ टू हो जाएगा, अभिक्रिया करेगा ये क्या बनाएगा आपका तीन तीन ओ टू बनाएगा, सिक्स एच प्लस हो जाएगा और तीन दूनी छह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कटने वाला को काट दीजिए, नहीं कटने वाला को छोड़ दीजिए, कटेगा देखिए छह इलेक्ट्रॉन यहां भी है, कट जाएगा है ना। और कुछ कटेगा देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे आठ एच प्लस है लेकिन यहाँ पे छह एच प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे टू एच प्लस हो जाएगा है ना। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, यानी सब जो सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए आप लोग, देखिए अभिकारा को एक साइड, उत्पाद को एक साइड जोड़िए, तो यहाँ पे क्या आपका देखिए आठ एच प्लस में से जाएगा छः को, कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या जाएगा टू एच प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या टू एम एन ओ फोर है माइनस में, प्लस में क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा थ्री एच टू ओ, देखिए थ्री एच टू ओ टू हो जाएगा। उत्पाद इधर खत्म हो गया किस्सा, इधर क्या बचा टू एम एन ओ टू बचा प्लस में चार एच टू ओ, इसका इस अभिक्रिया का उत्पाद देखिए थ्री ओ टू है तो थ्री ओ टू हो जाएगा प्लस में, कुछ नहीं क्योंकि सिक्स एच प्लस तो चला गया इधर ना, तो दो हो गया, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन ये भी कट गया, तो आपका टोटल ओवर इतना बचा। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया आपका, ये रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। अब चेक कर लीजिए ना भाई, सही आपका हो जाएगा, यहाँ भी एम एन दो गो, यहाँ भी एम एन दो गो, ऑक्सीजन चार गो, ऑक्सीजन कितना होगा आपका चार दूनी आठ 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 सौ चौदह हो जाएगा, यहाँ दो दूनी चार 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 आठ अब आठ सौ चौदह, यहाँ भी सही है। तो आपका एक इक्वेशन का बैलेंस है, ये वो क्या बैलेंस है, यहाँ एच प्लस है लेकिन है ना, यानी यहाँ देखिए दो दो माइनस हो जाएगा, यहाँ दो प्लस है तो जीरो हो गया, यानी कि पूरा आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ कैसे उसका होता। देखिए तो पहले थोड़ा सा डिटेल आपको बताया, लेकिन हम लोग ना इसका थोड़ा सा फास्टली कैलकुलेशन करेंगे है ना। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं सोल्यूशन। देखिए क्या करता है, ये बी आर टू है प्लस आपका एच टू ओ टू है, अभिक्रिया क्या क्या बनाया बी आर ओ थ्री बनाया प्लस में ये क्या बनाया एच टू ओ बनाया है ना। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, क्या करना बताइए, तो बी आर टू है तो बी आर टू को करेंगे इसी सर को कि हमें दो दो हमको अभिक्रिया बनाना है ना, तो वी आर टू हो जाएगा और ये अभिक्रिया करेगा किससे, हमारा बी आर ओ थ्री से करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब देखिए ये बी आर टू मुझे क्या क्या अभिक्रिया किया और बी आर ओ थ्री से बना दिया, मैं अभिक्रिया को तो वहां बांटा। अब देखिए अब बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड नंबर रूल के कोनी कि अर्धक्रिया को संतुलित करें गुणांक का प्रयोग कर, तो इसमें ब्रोमीन एक गो है, यहाँ पे ब्रोमीन दो गो है, तो मैं यहाँ पे दो का प्रयोग कर देता हूँ, हो गया। उस पर क्या करना, उस पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो तीन छह गो है, यहाँ पे है ये नहीं है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्या होता ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग बाटर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन छह गो है ना, तो हम लोग छह बाटर के अणु का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे छह बाटर जोड़ दूंगा, तो मैं आप जोड़ देता हूँ छः एच टू ओ प्लस में आपका क्या है बी आर टू है, तो छः यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी छः हो गया, बैलेंस हो गया। इसके बाद रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए एच प्लस का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ छः दूनी बारह है, इधर है ये नहीं हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे यहाँ बारह हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करूंगा बारह एच प्लस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जितना घटेगा उतना ही यूज करेंगे, तो इधर बारह हाइड्रोजन था जिन्हें बारह एच प्लस जोड़ दिया। अब क्या बोलता है कि आवेश का संतुलन करें, तो आवेश को जोड़ लीजिए, कितना आवेश इधर, देखिए इधर तो जीरो और चार्ज है, इधर कितना है, इधर आपका बारह चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा इसको भी जीरो बनाऊंगा, तो क्या करूंगा इसमें से बारह को घटा दूंगा, तो मैं क्या कर देता हूँ प्लस में मैं बारह को निगेटिव चार्ज को ले लेता हूँ। भाई मैं इसको बोलूंगा आपको कि प्लस में बारह को आप जीरो करो, तो क्या बोलिएगा प्लस में प्लस माइनस बारह को जोड़ देंगे,
माइनस 12 को जोड़ देंगे प्लस 12 में तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या हो गया जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया। देखिए रूल जहाँ खत्म होगा वहाँ पे इक्वेशन नया बनेगा, तो रूल यहाँ पे खत्म हो गया इक्वेशन बन गया। अब क्या बोलता है कि दो भाग में बांटना है ना, दो भाग में, तो पहला तो अभी इक्वेशन हो गया, अब दूसरा में बांटते हैं तो क्या करते हैं H2O2 है, अब किसको लेंगे देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि H2O ना लिखें, अर्धव क्रिया को लिखने वक्त हम लोग क्या करते हैं H2O का प्रयोग ना करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलता है कि पहला जो इक्वेशन जो बनेगा ना उसमें नहीं लिखना H2O को, ठीक है। तो अर्ध बचा क्या भाई, क्या बचा हमारा, देखिए BrO3 यूज हो गया Br2 के साथ, बचा H2O और H2O, तो इसी का यूज करेंगे ना, क्योंकि हमको क्रिया बनाना है किस तरह से भाई, ये तो यूज हो गया ना, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो इसका करेंगे। तो सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग H2O2, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगैन, तो H2O2 हमारा है, अब क्या आपका क्रिया क्या करेगा H2O करेगा। अब यहाँ आपको बैलेंस करना, देखिए हाइड्रोजन दो गो है, हाइड्रोजन दो गो है, बैलेंस है, ऑक्सीजन दो गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक गो है, तो क्या करेंगे बताइए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यानी कि हमको एक ऑक्सीजन और चाहिए, तो प्लस में क्या करूँगा ओ H2O, क्योंकि जितना ऑक्सीजन घटेगा उतना मुझे जोड़ूंगा, तब यहाँ भी एक ऑक्सीजन, एक दो ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ दीजिए, तो H2O2 अब क्रिया कर लेगा, 2H2O बना लेगा। अब देखिए तो यहाँ दो दो नहीं हाइड्रोजन चार गो है, यहाँ हाइड्रोजन दो ही गो है, तो क्या करूंगा मैं इधर क्या करूंगा दो एच प्लस जोड़ दूंगा, तो दो एच प्लस इधर, दो हाइड्रोजन, दो दो नहीं चार, यहाँ भी चार, बैलेंस हो गया। अब क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद आवेश को संतुलन करें, तो आवेश कितना देखिए तो आवेश यहाँ दो है, दो प्लस दो है, इधर आपका जीरो है, इसको जीरो बना दो, क्या करूंगा मैं इसमें प्लस माइनस टू कर दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा माइनस वाला को, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन माइनस को जोड़ दूंगा, क्योंकि जोड़ूंगा, क्योंकि जोड़ने से क्या होगा हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दोनों चार जीरो हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे रूल आएगा तो वो रूल आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, जोड़ना कैसे भाई, देखिए जोड़ना इस तरह से जोड़ना है ना कि दोनों का इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हो खत्म हो जाए, मतलब यहाँ आपका 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे खत्म होगा मैं इसमें 6 से गुना कर दूंगा, क्योंकि यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो जोड़ देता हूँ गुना करके 6 से, कर दीजिए 6 से गुना, ये तो जस का तस रहेगा, तो जोड़ दीजिए इसको, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड गुना 6, तो क्या देगा वो जस का तस रहेगा 6H2O प्लस में Br2, अभी क्रिया किया 2 BrO3 बनाया प्लस में 12 एच प्लस बनाया, और ये आपका 12 इलेक्ट्रॉन बनाया, ये 6 से गुना करें इसमें तो पूरा करें तो 6 से, तो 6 दुनी यहाँ जाएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 6 दुनी 12 एच प्लस प्लस 6 गुना H2O2, और क्रिया करेगा इसमें 6 से गुना करें तो 12 H2O, ये मैं इसको जोड़ दूंगा पॉजिटिव जोड़ दूंगा। अरे देखिए काटी जो कटने वाला, सो काट दीजिए, कटेगा कुछ कटेगा कट जाएगा, देखिए क्या कटेगा 12 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ 12 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 12 एच प्लस है दोस्तों, और यहाँ 12 एच प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखिए देखिए हाँ कटने वाला है लेकिन कटेगा नहीं, यहाँ 12 एच टू है दोस्तों और यहाँ पे 6 एच टू है, तो क्या होगा ये 6 एच टू इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा ना, तो 12 एच टू में से 6 घटेगा तो इधर 6 एच टू बच जाएंगे, है ना, और ये जोड़ देंगे इसको, चलिए जोड़ दीजिए, इसको नहीं जोड़िए तो क्या आ जाएगा बी आर टू जोड़ देंगे प्लस में, बी आर टू प्लस में 6 एच टू ओ टू, और ये दोस्तों ये 6 एच टू इधर जाएगा तो 12 में से क्या हो जाएगा आपका 6 बचेगा ना, तो 6 एच टू हो जाएगा प्लस, ये आपका बच जाएगा 2 वी आर ओ 3, है ना, तो आपका ओवरऑल ये बच गया, क्या बच गया आपका बी आर टू 6 एच टू ओ टू 6 एच टू ओ प्लस 2 वी आर ओ 3 हो गया, कैंसिल हो गया 12 एच प्लस, यहाँ 12 एच प्लस, 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, और आपका एच प्लस घट गया, है ना, कोई दिक्कत हुआ तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपका बैलेंस है या नहीं, ठीक है देख लीजिए, है ना, देखिए ब्रोमीन दो गो, ब्रोमीन दो गो, ऑक्सीजन 3 दुनी 6, 6 6 12, ऑक्सीजन 6 दुनी 12, हाइड्रोजन 6 दुनी 12, हाइड्रोजन 6 दुनी 12, तो ये आपका फ्रेंड्स का आपका आंसर आ गया, बैलेंस हो गया, है ना, तो बस पांच रूल को चाट जाना है, दीवार में ठोक लेना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको तीसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन कराता हूँ। तीसरा प्रश्न को सोल्व करते तो क्या प्रश्न बोलता है, देखिए प्रश्न क्या बोलता है MnO4 माइनस Fe2 प्लस H प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस करना मुझे, क्या करेंगे दो इक्वेशन को बांट देंगे, दो इक्वेशन में इसको बांट देंगे, तो पहला MnO4 हो जाएगा, हमारा एक Mn हो जाएगा,
तो कर लेते हैं एक हम लोग, क्या हो जाएगा पहला, पहला आ जाएगा आपका एम एन ओ फोर माइनस, और क्या हो जाएगा आपका एम एन टू प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपका एम एम एन मैग्नीज को बैलेंस करना है, तो मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है आपका, मैग्नीज का ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस नहीं करेंगे, हम क्या बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे चार हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक ही है ही नहीं है, तो क्या करेंगे जितना ऑक्सीजन की कमी रहता है उतना ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, उतना बाटर के अणु जोड़ते हैं, जल के अणु जोड़ते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन चार हुआ है, तो रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे H2O को जोड़ेंगे, पहले समय क्या कर देंगे चार H2O को जोड़ देंगे। अब मुझे बैलेंस हो गया ऑक्सीजन भी मैग्नीज भी, अब बैलेंस करना है मुझे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आठ हुआ है बट इधर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा मैं इधर आठ एच प्लस को जोड़ दूंगा, बैलेंस हो गया मुझे, है ना, रूल नंबर चौथा के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोलता है आवेश को बैलेंस करो, आवेश को संतुलन करें, तो जो तो इधर आपका आठ को प्लस में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका माइनस में एक है, यहाँ आपका दो प्लस में है, तो इसको जोड़ी तो कितना आठ में से ही जाएगा आपका, यहाँ पे सात है टोटल, यहाँ पे आपका प्लस में दो है। तो बताइए दोस्तों आपको सात को दो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस में पाँच को जोड़ दूंगा, अब माइनस पाँच को क्या बोलते हैं पाँच इलेक्ट्रॉन माइनस, इसलिए मैं क्या करूँगा इस तरफ दोस्तों मैं इसको इसको दो बनाने के लिए इसके जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस पाँच इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, है ना सात में, क्योंकि सात में जोड़ने पर मैं दो आ जाएगा दो आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं क्या करूंगा इधर जोड़ूंगा, मैं इस साइड जोड़ूंगा, है ना, क्यों, क्योंकि इधर सात है इधर दो है, तब ना मैं पांच इसमें घटाऊंगा सात में से तब दो आएगा, मैं इससे यहाँ पे क्या करूंगा आपका कितना जोड़ूंगा बताइए, तो मैं एक स्टेप चल ही लेता हूँ भाई, पांच इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस में आठ एच प्लस प्लस में एम एन ओ फोर माइनस यहाँ पे एम एन टू प्लस फोर एच टू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि जब जब भी आप आवेश को बैलेंस कर लीजिएगा वहां पे आपका रूल खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगेन दूसरा पार्ट लेते हैं, किसका किसका, देखिए एफ ई टू प्लस का और एफ ई थ्री प्लस का, क्यों एच प्लस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां हो रहा है कि एच प्लस नहीं लेना, जब यूज हो जाएगा तब ले सकते हैं, लेकिन भाई बचा हुआ है ना, तो एफ ई टू प्लस यहां लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आपका एफ ई टू प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आपका एफ ई थ्री प्लस है। अब देखिए यहाँ पे लोहा दो गो है, यहाँ पे लोहा तीन गो है, लोहा तो बैलेंस ऐसे है ना, बट यहाँ पे लोहा दो है, दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोहा तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये सब को छोड़ते हुए क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या करेंगे रूल नंबर फाइव को अपनाएंगे, तो अब इसको संतुलन करना है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है सॉरी दो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे दो को तीन बनाना, क्या करूँगा बनेगा नहीं, तीन को दो बना सकता हूँ क्या करके माइनस में प्लस में माइनस टू करके, अब माइनस टू को क्या लिख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन माइनस, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन माइनस को जोड़ दूंगा सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को, चलो तीन में से एक जाएगा दो, है ना, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूँ, तो यह क्या बन गया आपका इक्वेशन सेकंड बन गया, जहां पे आपका आवेश बैलेंस होगा वहां पे इक्वेशन लास्टिंग होगा, वो इक्वेशन बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना, मैं रूल बताया था कि इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस में यहाँ पे पांच हुआ, तो क्या करूंगा यहाँ पे पांच से गुना कर दूंगा, तो पांच पांच खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू पांच, जोड़ दीजिए ये तो जस्ट कतर से रहेगा, पांच इलेक्ट्रॉन माइनस आठ एच प्लस एम एन ओ फोर माइनस एम एन टू प्लस फोर एच टू ओ, यहाँ पे क्या जाएगा आपका पांच एफ ई टू प्लस और क्या जाएगा आपका पांच एफ ई थ्री प्लस प्लस में पांच इलेक्ट्रॉन माइनस, जोड़ दीजिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, कटेगा देखिए पांच इलेक्ट्रॉन माइनस है पांच खत्म हो गया, है ना, और कुछ तो कटेगा नहीं तो उसको डायरेक्ट जुड़ जाएगा, है ना, जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका पांच एफ ई टू प्लस नीचे वाला और ऊपर हो जाएगा आपका आठ एच प्लस, ये आपका हो जाएगा एम एन फोर माइनस और ये आपका हो जाएगा एम एन टू प्लस चार एच टू ओ और प्लस में एक ए आपका नीचे वाला पांच एफ ई थ्री प्लस, तो इस तरह से बैलेंस भी देखिए आप चेक कर लीजिए कि आपका बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, बैलेंस करने आता आपको, आप लोगों को बैलेंस करने आता है या नहीं आता पहले मुझे ये बताइए।
देखिए सही है बैलेंस है। देखिए एमएन भी एक है, एमएन यहाँ भी एक है, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कितना चार है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन आठ है, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन आठ है, यहाँ पे आपका देखिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, पाँच एक एक एफी पे तीन चार्ज, तो पाँच पे कितना हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह दो कितना हो गया सत्रह, इधर देखिए पाँच दो नहीं दस, दस और आठ अठारह, अठारह में सही जाएगा सत्रह, यानी कि हमारा ये बैलेंस इक्वेशन। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, आप पूरा चार्ज गिन लीजिए, पूरा एटम का आगे नंबर गिन लीजिए है ना, कोफिशियन कितना है नहीं, तो आपको पता चल जाएगा बैलेंस है नहीं, तो आपका बैलेंस हो गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे तीन सवाल लिया था, तीन सवाल मैंने पूरा इस रूल का निचोड़ में डाल दिया और आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं बस पांच रूल है भाई, पांच रूल याद कर ले। मैं यही बोल देता हूँ आपको, पहले क्या करना है इक्वेशन को तुम्हें बांट देना, सेकंड स्टेप क्या करना है वहां उसको बैलेंस करना, किसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके, फिर क्या करना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जितना ऑक्सीजन घटेगा उतना H2O को जोड़ेंगे, फिर क्या करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे तो जितना हाइड्रोजन घटेगा उतना H+ को जोड़ेंगे, फिर क्या करना आयन चार्ज को बैलेंस करना है, जितना घटेगा उतना जोड़ देंगे, बस खत्म आपका दो ही क्वेश्चन बना के दोनों को जोड़ देना, और लास्ट रूल में क्या करना इलेक्ट्रॉन को घटा खत्म कर देना है। तो यहाँ पे पांच था, यहाँ पे एक था, यहाँ पांच था, मैं इसको पांच से गुना करके खत्म कर दिया, फिर आपका आ गया। तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को, जो कि बच्चों को हार्ड लगता है इलेवंथ में, ये बच्चा कमेंट किया था तभी मैं वीडियो बनाया, ताकि मुझे यहाँ लगे नहीं बच्चों को, सारा बच्चों को समस्या होगा, इसलिए मैं वीडियो लाया था, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझ लें, क्योंकि एग्जाम में आपको काम देगा, इलेवंथ में आपको पढ़ना भी है और सवाल एग्जाम में आते रहते हैं आपका हाई स्कूल में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, कैसा लगा आज के क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं अपने वीडियो लाते रहता हूँ, और साथ साथ हमारे चैनल पर क्लास 10th 11th एंड 12th की तैयारियाँ भी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिल जाएगा नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।